अष्ट प्रातिहारियों की महिमा जब वे साक्षात देखते हैं, वह समोसरण की महिमा को साक्षात देखते हैं, वह अशोक वृक्ष के नीचे वह स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान, वह रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, जिनके ऊपर तीन छत्र लगे हुए हैं, 64 चंवर ढाए जा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, धुंधवी बाजे बज रहे हैं, भामंडल जो भामंडल के दर्शन एक बार कर लेता है उसको सात भव दिखाई देते हैं, तीन अगले, तीन पिछले और एक वर्तमान का भव दिखाई देता है। भगवान की दिव्य देशना खिर रही है, ओंकारमय दिव्य देशना खिर रही है और एक मुख होते हुए चारों तरफ चार मुख दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अति से जब देखते हैं अपराजित राजा तो मन में प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता होने के बाद घर आते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, नंदीश्वर पर्व में महान सुख को देने वाली पूजन करके भव्य जनों को धर्म उपदेश दे रहे। इसी बीच आकाश से दो चारण रीतिधारी मुनिराज आते हुए दिखाए। दो चारण रीतिधारी मुनिराज आ रहे थे। राजा ने देखा दो चारण रीतिधारी मुनिराज आए हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं भाता तो वापस से फिर अंत में एक बार नमस्कार करते हैं, चरणों में झुकते हैं। अपराजित राजा धर्म उपदेश सुनकर मुनिराज के चारण रीतिधारी मुनिराज के उपदेश सुनकर कहा, कह रहे हैं, हे बब्बन, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके पहले कभी मैंने दर्शन किए। किनसे कह रहे हैं? दोनों चारण रीति मुनिराज अरहत दास जी के पुत्र अपराजित राजा दोनों मुनिराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं, हे मुनिराज, मुझे आपको देख करके मेरे मन में स्नेह उमड़ रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने आपके कहीं दर्शन किए, कृपा कर बतलाई है। मुनिराज ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं, हे अपराजित राजन, आप सत्य कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको बताता हूं, गंधर्व नाम का देश, उस देश में सूर्यप्रभ नाम के राजा, उनकी रानी सूर्यप्रभा थी। उन रानी के तीन पुत्र सूर्य प्रभु के, राजा सूर्य प्रभु के तीन पुत्र हुए और तीन पुत्रों के नाम थे चिंता गति, मनोगति और चपल गति। क्या सूर्य प्रभु के, राजा सूर्य प्रभु और रानी सूर्य प्रभा के घर से तीन पुत्रों ने जन्म लिया। पहले पुत्र चिंता गति, दूसरे पुत्र मनोगति और तीसरे पुत्र चपल गति। तीन पुत्रों को
राजा तीन पुत्रों को पाकर के बहुत ही सुखी थे, जैसे किसी को रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति हो जाती है और वे बहुत अपने अंदर आनंद विभोर में रहते हैं। ऐसे ही वे रानी राजा दोनों तीनों पुत्रों को पाकर के बड़े ही खुशी से, सुख से समय व्यतीत कर रहे थे। वही अरविंद नाम का एक पुर था, उसके राजा अरिंजय थे। वही एक अरविंद नाम का पुर था, वहां के राजा अरिंजय थे। अरिंजय विद्याधर विद्याओं के स्वामी थे और उनकी रानी का नाम अजित सेना था। उसी गांव में अरविंद नाम का एक पुर था, वहां के राजा अरिंजय थे और अरिंजय की रानी का नाम अजित सेना था। इनकी प्रीतिमती नाम की एक बड़ी सुंदर होनहार कन्या थी, सुशील कन्या थी। किसकी? राजा अरिंजय की पुत्री, जिसका नाम था प्रीतिमती। प्रीतिमती एक दिन मेरु की प्रदक्षिणा करने गई और प्रतिज्ञा ले ली कि एक स्थान पर मैं रत्न माला रखूंगी, रत्नों की माला रखूंगी। प्रीतिमती ने संकल्प लिया कि मैं रत्नों की माला एक स्थान पर रख दूंगी और जो इस रत्नों की माला को अपने विद्या के बल से मेरे पास लेकर के आएगा, वही मेरा स्वामी होगा। ऐसा मन में धारणा बना रहा। प्रीतिमती के साथ विवाह की तैयारियां हुई। पहले तो स्वयंवर रचे जाते थे, वही स्वयंवर फिर से रचा गया। देश विदेश के कई देशों के राजा आए और सारे जितने भी आए थे वो सब हार गए। वो महान संत